हेलो एवरीवन। पिला मैंने आज हमें कंप्यूटर और जनरल इंट्रोडक्शन ऊपर किसी क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा। देखंतु टोटली हमर 100 क्वेश्चंस रहिची। आज हमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन करिबा और 50 क्वेश्चंस को हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन कर देबा। ठीक अछि, कहि रखुची। देखंतु एटा हमर कंप्यूटर रो फर्स्ट क्लास रहुची। सिलेबस अनुसार आज हमें फर्स्ट क्लास करबा कंप्यूटर रो। आ हमर मैथ, इंग्लिश, ओडिया, जीके जहां भी हमर सब रहुची से सब रो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हे जेची। ओके okay, जो पिला मैंने देखने पर चाहिए प्लेलिस्ट विजिट करके देखी ने। देखु फर्स्ट क्वेश्चन को देखु, सब बेसिक क्वेश्चन अच्छी। ठीक अच्छे, सब क्वेश्चन बेसिक अच्छी। नेक्स्ट क्लास रू आम सब आम कंप्यूटर फंडामेंटल टू आरंभ करवा। फर्स्ट ऑफ ऑल आम थ्योरी पढ़ा, तापर आम एमसीक्यूज को प्राक्ट करवा। ठीक अच्छे, आम जहाँ भी सिलेबस अच्छी सब आम सेमती करवा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पढ़ा, तापर एमसीक्यूज को प्राक्ट करवा। ये सब बेसिक क्वेश्चन रोक। देखु ये देखु फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर गोटे कौन पचार देखु, ये हूँ आम गोटे कौन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन नंबर ए रही आंसर, समस्ते जानते क्वेश्चन टा। देखु ये गोटे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन टू, ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इनफॉरमेशन। आमर पचार देखु आम कौन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गोटे क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जे कि कौन करे प्रोसेस करे, कौन करे डाटा को प्रोसेस करे आउ कन्वर्ट इनटू इनफॉरमेशन को कन्वर्ट करे, ये करे ये देखो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए रही आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, डैश इज प्रोसेस्ड इन इनफॉरमेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर प्रोसेसर। अच्छा देखो यहाँ आम जो क्वेश्चन टा दुई नंबर कले से क्वेश्चन ही बुले पचार से क्वेश्चन ही बुलेगी पचार देटा। आमर ये आम कौन पढ़ले डाटा को ही आम इनपुट भाव में कंप्यूटर निए। ठीक अच्छे, डाटा को इनपुट आम इनपुट हिसाब से कंप्यूटर नहीं कि कौन करे इनफॉरमेशन को सॉरी प्रोसेसिंग करके सी आमको इनफॉरमेशन आकार रे आउटपुट दिए। ठीक अच्छे, दुई नंबर क्वेश्चन टा से तो सही क्वेश्चन देखो ये पचार देती, डैश इज प्रोसेस्ड इन इनफॉरमेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर, कौन डाटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, देखो व्हाट इज एटीएम। एटीएम कौन पचार यार आंसर देखो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विथड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ। माने आम कहीपर विदाउट स्टाफ द्वारा आम कैश को विथड्र करने को कौन कह एटीएम कह। ठीक अच्छे, आउ एटीएम रो फुल फॉर्म कौन कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जनइबे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, मीनिंग ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज। डाटा प्रोसेसिंग रो माने कौन पचार, डाटा प्रोसेसिंग रो माने आम कही पार। देखो कलेक्शन ऑफ डाटा, तापरे देखो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, डूइंग कैलकुलेशन। ऑप्शन डी रही प्रिपेयरिंग इनफॉरमेशन फॉर बिजनेस यूज। ऑप्शन नंबर डी को आम कही पार। देखो डाटा प्रोसेसिंग रो माने होची जेकोनोसी बिजनेस रे आम कही पार, जेकोनोसी बिजनेस पई यूज होतबा इनफॉरमेशन प्रिपेयर करबा को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाए। ओके, ऑप्शन नंबर डी रहइबो आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन सिक्स, पार्ट ऑफ सीपीयू व्हिच कोऑर्डिनेट्स, पार्ट ऑफ सीपीयू व्हिच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। देखंतु ये कौन पचारिछि यार आंसर जदि कहिबा देखंतु ऑप्शन नंबर केते हेबो हमर सी रहइबो कंट्रोल यूनिट। ठीक अछि, सीपीयू रो गोटे पार्ट जहा कि कंप्यूटर रो सब फंक्शन को एवं अन्य समस्त कार्य को सी कोऑर्डिनेट करे। ओके, से कथा पचारिछि, यार आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन 7, डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को डाटा देवा को कौन कहा जाए, कंप्यूटर को डाटा देवा को हमरो इनपुट कहा जाए। ओके, आ कंप्यूटर हमरो जहां भी डाटा टा बाहर की आसे ताको कौन कहा जाए आउटपुट कहा जाए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमें फंडामेंटल क्लास रे पढ़ीबा। ठीक अछि, नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। इनपुट टा हमरो मॉडिफाई हे कि हमरो आउटपुट आकार से बाहर हैला कहा द्वारा, माने कहा सहाय्य से पचार देखु यार आंसर जदि कह कौन हम सीपीयू सेंट्रल, कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर ई रही आंसर। नेक्स्ट देखु क्वेश्चन 9, व्हिच वन ऑफ दीज Which one of these is not a characteristic or a function of computer?
ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆମର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫଙ୍କସନ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବି ନୁହେଁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫଙ୍କସନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟାକୁ ଆମର ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଡାଟାକୁ ସିଏ ପ୍ରୋସେସିଂ ବି କରେ, ଡାଟାକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ଡାଟା କପି କ'ଣ, ଡାଟା କପି କ'ଣ, ଇଏ ହେବନି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଇ ରହିବ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡାଟା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କହିବା ନମ୍ବରକୁ କୁହାଯାଏ, ସିମ୍ବଲକୁ ବି କୁହାଯାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ। ନମ୍ବର ଆଉ ସିମ୍ବଲକୁ କଣ୍ଟେନିଂ ଆମର କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ସେ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡାଟା ବୋଲି କହିବା। ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନର୍ମାଲି ଯାହା ଦେଉ, ଠିକ ଅଛି ନା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଡାଟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍, ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟୋର୍ ଡାଟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସିପିୟୁ। ସିପିୟୁର ଗୋଟେ କୋଉଟା ପାର୍ଟ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ରହିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ALU। କ'ଣ ALU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସେସ୍ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସିପିୟୁ କଥା କହିବା, ଇଏ ଆମର ସିପିୟୁର ପାର୍ଟ, ଆମର ALU ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ, ସିୟୁ। ସିୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ EDF। EDF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିପିୟୁ ମୁଁ କହିଲି, ସିପିୟୁ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଇଏ ଆମର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ଦିଏ, ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବି ଥିବେ। ସିପିୟୁ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ALU ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍, ALU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍, ଠିକ ଅଛି, କୋଉଟା ରହିଛି ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 16 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଇଜ୍ ସିପିୟୁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସିପିୟୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଚିପ୍ କହିପାରିବା, ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବେସିକ୍ ଅପରେସନ୍ ଡନ୍ ବାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା କରାଯାଉଥିବା ବେସିକ୍ କାମ ସବୁ କ'ଣ, ବେସିକ୍ କାମ ସବୁ କ'ଣ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍, ଠିକ ଅଛି, ଲଜିକାଲ ଅପରେସନ୍ ବି ଠିକ ଅଛି, ହେଲା, ଆମର ଡାଟାକୁ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖେ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଲ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିପିୟୁ, ଓକେ, ସିପିୟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ଆଉ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କହୁଥିବା, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ପଚାରି ଦିଏ, ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମନେ ରଖିବେ ସିପିୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସେସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଭିଡିୟୁ ଏଣ୍ଡ କିବୋର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆମର ଭିଡିୟୁ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଭିଡିୟୁ, ଭିଡିୟୁ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବେ, ଭିଜୁଆଲ, ଭିଜୁଆଲ କ'ଣ, ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍, ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍, ଓକେ। ତ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆମର କିବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କ, ଲିଙ୍କ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କିଏ କରାଏ, ସେ ଜିନିଷ ପଚାରିଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ, ଠିକ ଅଛି, ସିପିୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ କାଲ୍କୁଲେଟିଂ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପାରିଂ। କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ, ଆମର ALU କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ALU, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏହାର ଆମର କାମ କ'ଣ, ଏହାର କାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ALU ର ନର୍ମାଲି କାମ ଥାଏ କ'ଣ, ସିଏ ସିମ୍ପଲି
सिंपली सी कौन करे एडिशन करे एडिशन आमर सब्सट्रैक्शन तापर आमर कौन मल्टीप्लिकेशन आउ कौन डिविजन ओके ये सब काम को किए करे एएलयू एएलयू द्वारा करा जाए ठीक अच्छे आमर लॉजिक जेतक सब ऑपरेशन रहला जमती कि आमर एएनडी हला तापर आमर ओर हला हला ए सब काम किए करे एएलयू रो काम ए सब ओके जेते बडे भी आमर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कथा आसीबो आमर एडिशन सब्सट्रैक्शन ए सब जिनसे जेते बडे कहबे सेठी डायरेक्ट एएलयू को मार देबे ठीक अच्छे देखंतु तापर फंक्शन ऑफ सीपीयू इज पचारीची सीपीयू रो फंक्शन बा आमे काम कहि परबा सीपीयू रो काम कोन देखंतु अरिथमेटिक कैलकुलेशन पई त आमे कहिले एएलयू देखंतु एएलयू एटा 20 नंबर क्वेश्चन रे कहिले ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन तार काम कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट हमरो दुईटा ऑब्जेक्ट मधेरे कंपैरिजन करिवो करिवो नाही सीपीयू रो काम एटा नहि सर्च ऑफ डिजायर्ड डाटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी ऑप्शन डी दिछि देखंतु बोथ ए बी यार आंसर कौनसा भी हेबनी देखंतु ऑप्शन नंबर डी रहिबो आंसर नॉन ऑफ दिस ओके सीपीयू रो काम जदि हमें कहबा देखंतु सीपीयू रो काम हमरो कोन रहे जदि हमरो सीपीयू रो फंक्शन कथा कहबा ताहले ये कोन करे हमरो डाटा को कोन करे इनपुट करे आ कोन करे से डाटा को स्टोर करके भी रखे हैला हमको से आउटपुट आकर रे हमको से रिजल्ट दिए ओके ये होची हमें कहि परबा सीपीयू रो फंक्शन याको हमरो आ कोन कहा जाय पूर्व रूप के पढिले हमें ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोली भी कहा जाए कहा को सीपीयू को मन रहला नेक्स्ट देखंतु ये देखंतु क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच यूनिट कंट्रोल्स द मोमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईओ माने इटा देखंतु इनपुट और आउटपुट कहि छी ओके से कोन पचारिस देखंतु हमरो केउ यूनिट सीपीयू आ हमरो इनपुट आउटपुट मध्ये रे सिग्नल रो मोमेंट को कंट्रोल करे पचारिछि यार आंसर जदि हमें कहबा देखंतु कोन हबो कंट्रोल यूनिट कहि परबा ऑप्शन नंबर बी ठीक अछि कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटा आपन को थ्योरी रे अछि ठीक अछि एटा हम जे थ्योरी पढ़ी थांते ए जिंस सब देइ छि बेसिक जिंस सब देइ छि सो दैट थ्योरी क्लास कोलिनी डायरेक्टली एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर दोजु हमें बेसिक फंडामेंटल रो पढ़िबा ओके तो यार आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी 24 देखंतु द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर प्रोसेसर रो तीनोटी मेन पार्ट कोन पचारी छि देखंतु यार आंसर रहइबो एएलयू तो रहइबो फर्स्ट ऑफ ऑल एएलयू रहइबो माने देखंतु ऑप्शन नंबर सी रे एएलयू नाही एथिने नाही माने ए तीनटा ऑप्शन एमते भी कटि गला ऑप्शन नंबर ए नहले बी हेबो देखंतु एएलयू कंट्रोल यूनिट हमरो कोन हेबो रजिस्टर्स ऑप्शन नंबर ए रहइबो आंसर ओके नेक्स्ट देखंतु 25 क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अच्छा कंप्यूटर रे पचारी छि सीपीयू रो काम कोन सीपीयू रो फंक्शन कोन पचारी छि यार आंसर जदि हमें कहबा देखंतु देखंतु ऑप्शन नंबर बी रहबा आंसर परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग ए होची सीपीयू रो फंक्शन ओके ए डाटा को डिलीट करबा रे फंक्शन होय करो पर डाटा बिन होय ये बिन होय ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन नंबर 26 ये देखंतु कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कंप्यूटर रो कैपेसिटी कोन पचारी छि हमें जदि कंप्यूटर रो कैपेसिटी कथा कहबा देखंतु ये आसीबो लिमिटेड ठीक अछि हमर स्टोरेज कैपेसिटी तारो गोटे लिमिट थाय ओके कैपेसिटी रहबो तारो लिमिटेड कंप्यूटर रो कैपेसिटी लिमिटेड नेक्स्ट देखंतु 27 कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कंप्यूटर रो कंट्रोलिंग पार्ट कोन पचारी छि कंट्रोलिंग पार्ट कथा जदि हमें कहबा यार देखंतु ऑप्शन नंबर सी रहबो सेंट्रल प्रोसेसिंग नेक्स्ट देखंतु 28 कंप्यूटर डैश कंप्यूटर कोन पचारी छि कंप्यूटर कथा जदि हमें कहबा ये देखंतु आपनकर ये देखंतु ए डिवाइस व्हिच इज अच्छा ये डाटा को भी स्टोर करे कंप्यूटर डिवाइस व्हिच इज एबल टू एनालिसिस डाटा को एनालिसिस भी करिवो तापर ए डिवाइस व्हिच इज एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी सम टाइम्स अटैक अच्छा ये वायरस द्वारा भी किछि किछि हमर बड़े-बड़े अटैक हो जाय ठीक अछि तो यार आंसर जदि हम कहबा देखंतु ए बी सी डी रहइबो आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल हे जइबो ओके नेक्स्ट देखंतु क्वेश्चन 29 द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए पचारी से देखंतु आपनकर द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ ये कोन करे
ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରୋସେସିଂ ସାଇକେଲରେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଡାଟାକୁ ଇନପୁଟ୍ କରୁ, ସିଏ ପ୍ରୋସେସିଂ କରେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ଆଉଟପୁଟ ଆକାରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ଆନ୍ସର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସାଇକେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ, ଓକେ, ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ। ଏଏଲ୍ ୟୁ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା, ଆମର ସିପିୟୁ ଭିତରେ, ସିପିୟୁ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଲି ଏଏଲ୍ ୟୁ ଆଉ କ'ଣ ସିୟୁ, ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ ଆଉ ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ, ୟା ମାନେ କ'ଣ ଆରିଥମେଟିକ୍ କାହିଁକି ହେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମର କ'ଣ କରେ, ନର୍ମାଲି ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆମର କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆଡିସନ୍ କରେ, ଆଡିସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନ୍, ଆମର ଲଜିକ୍ ଅପରେଟର୍ ଅପରେସନ୍, ସେମିତି ଆମର କ'ଣ ଅର୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଏସବୁ କାମକୁ ସିଏ କରେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କରେ, ନର୍ମାଲି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ କେବଳ ନମ୍ବରକୁ ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆରିଥମେଟିକ୍ କଥା କହିବା, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଶୋ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ କଥା କହିବା, ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଦୁଇଟି ଭାଲୁକୁ ଆମର ସେ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଭାଲୁକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଟ୍ରୁ କୋଉଟା ଫଲ୍ସ, ସରି ଟ୍ରୁ କୋଉଟା କୋଉଟା ଫଲ୍ସ, ତାକୁ ସିଏ ଦେଖାଇବ, ଓକେ। ସୋ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଲଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 31, ଥିଓରି ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍, ଥିଓରି ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୱାର୍କିଂ ପାଇଁ ତାର ଥିଓରି କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏହାର ଆନ୍ସର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଥିଓରି ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ। 32 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିପିୟୁ, ସିପିୟୁ ର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ଏହାର ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଲ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ ବି ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ମେମୋରି ଏଏଲ୍ ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟା ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା, ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏହାର ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ଆଉଟପୁଟ ଆକାରରେ ଦିଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 34, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଙ୍କସନ୍, ସରି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ସିପିୟୁ, ସିପିୟୁ ର କାମ କ'ଣ, ସିପିୟୁ ର କାମ ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ କାମ, ଇମିଡିଏଟ୍, ଆଚ୍ଛା ଡାଟାକୁ ବି ସେ ଷ୍ଟୋର କରିବ, ରିଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଗିଭ୍ କମାଣ୍ଡ, ଇଏ ବି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରହିବ, ଅଲ୍, ଓକେ, ଅଲ୍ ରହିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଆଉଟପୁଟ, ଆଉଟପୁଟ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆଉଟପୁଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମ ଆମର ଡାଟାଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଏ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଆମକୁ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ ତାହା ଆଉଟପୁଟ। ତ ଇଂରାଜୀରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟେକନ୍ ବାଇ ୟୁଜର୍ ଟୁ ପ୍ରୋସେସର, ଇଏ ତ ହେବନି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସେସର ବାଇ ୟୁଜର୍, ଆଚ୍ଛା ଆମ ୟୁଜର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋସେସର, ନାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସି ରହିବ ଆନ୍ସର, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଗେଟ୍ ଟୁ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରୋସେସର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରୋସେସର ପରେ ଆମର ୟୁଜର୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳେ, ମାନେ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆଉଟପୁଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 36, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଡଜ୍, ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଆମର ଆଡିସନ୍ କରୁଛି, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିଭିଜନ୍, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏଏଲ୍ ୟୁ, ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିବ ଆନ୍ସର। 37 ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍ ପରଫର୍ମ ଫର୍ ସିପିୟୁ, ସିପିୟୁ ସେ ଜିନିଷ କହିଲା ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ପୁଣି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ୍ ସବୁ ଏଏଲ୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 38, ଦ ବେସିକ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କନ୍ଭର୍ଟ ଡାଟା ଇନ୍ ଟୁ, ଡାଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କରେ, ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସିଏ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରହିବ ଆନ୍ସର, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୟୁ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଡାଟା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଢି ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ସ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ମାନେ ଆମର
एएलयू कथा कही पार ये देखो तो आमर आडिशन सब्सट्रैक्शन जो रही है सी हम आंसर इनवॉल्व मशीन डाटा आइटम सर्च डाटा अच्छा यूज कंडीशन विथ ऑपरेशन एंड और नॉट इनक्लूड देखो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आम डिविजन ठीक अच्छे ये इनक्लूड करे तो ऑप्शन नंबर कौन रही डी रही आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो 41 प्रोसेसिंग इनवॉल्व कौन थे देखो आम कहीपर इनपुटिंग डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम देखो ऑप्शन नंबर बी रही ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट अच्छा आम इनपुट जहाँ दिखते सी आउटपुट करके बाहर करके दिए सीटा तो आम कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके दिए ना प्रोसेसिंग इनवॉल्व पचार ऑप्शन नंबर बी रही ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो 42 इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट देखो यार आंसर जो कह ऑप्शन नंबर कंप्यूटर सिस्टम कहुए ठीक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम कहुए आम सी इनपुट नब तापर प्रोसेसिंग करके आउटपुट आकार मैंने सरी आमको जहाँ सी रेजल्ट देव आम कौन कह गोटे कंप्यूटर सिस्टम कहींपर नेक्स्ट देखो 43 द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स आम कहीपर आड्रेस कहीपर ओके नेम ऑफ लोकेशन पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा मेमोरी नेम तो हेनी स्टोरेज भी हेनी डाटा या आड्रेस कहवा ओके ऑप्शन नंबर ए रही मन रखिए आड्रेस कहवा नेक्स्ट देखो 44 देखो डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द आरिथमेटिकल कैलकुलेशन सब कौन एएलयू तापर देखो 45 ए सीपीयू कंटेंट सीपीयू गोटे कौन कंटेंट गोटे पचार देखो आम 45 कथा जी कह रहा आम आंसर ए कंट्रोल यूनिट अच्छा कंट्रोल यूनिट सीयू आउ एएलयू है एएलयू आम फास्ट पढ़ुं सीपीयू आम कंट्रोल यूनिट और आरिथमेटिक यूनिट को लेकिन सी गठित ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर दैट इज अच्छा कंप्यूटर को आम यूज करके कौन बेनिफिट पाँच आम कहीपर देखो आमर कंप्यूटर्स आर भेरी फास्ट ये गोटे फास्ट आम कहीपर कंप्यूटर्स आर भेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट बहुत सारा से डाटा को कौन कैर स्टोर करके रखिपारे और से बहुत फास्ट भी कम कैर ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए को कहीपर तापर जी बी कथा कह देखो कंप्यूटर्स प्रोभाइड आकुरेट हाँ आउटपुट इवेन व्हेन इनपुट जो आम इनकरेक्ट दे सी आउटपुट कमी करेक्ट दबो ऑप्शन नंबर भी भूल अच्छे तापर देखो आप कंप्यूटर्स आर डिजाइन इनफ्लेक्सिबल ये भी भूल अच्छे ऑप्शन नंबर ए ही रही करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट देखो 47 क्वेश्चन कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय ये देखो लॉजिकल ऑपरेशन कथा कही मैंने कौन आसो एएल यू ताप देखो 48 द फंक्शन ऑफ सीपीयू सीपीयू फंक्शन कौन रही ये देखो सीपीयू फंक्शन जदि कह ऑप्शन नंबर सी कहीपर टू रीड इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इनफॉरमेशन एंड इंस्ट्रक्शन ओके ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी कहीपर ये रही आंसर फंक्शन ऑफ सीपीयू रो काम कहीपर नेक्स्ट देखो 49 एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा इज नॉन न्यूमेरिक डाटा रो एग्जांपल पचार नॉन न्यूमेरिक डाटा कथा जदि हमें कहिबा माने सरी न्यूमेरिक किछ नथिबो ठीक अछि माने हमर 1 टू जहाबे हमर न्यूमेरिक नंबर न्यूमेरिक सेट किछ नथिबो ये देखो एग्जामिनेशन स्कोर आमर नंबर रही बैंक बैलेंस नंबर रही एम्प्लॉइज एड्रेस कौट आसो न्यूमेरिक नंबर किसी भी रही एम्प्लॉइज एड्रेस नॉर्मल से एड्रेस दे पार ठीक अच्छे बिना नंबर तापर देखो आम अल्फाबेट राम रही ठीक अच्छे तापर देखो 50 क्वेश्चन द इनफॉरमेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर को आम जो इनफॉरमेशन अच्छा दिखती कौन कहुए कमर डाटा ओके ऑप्शन नंबर सी तापर आम देखो 51 52 एमती आम आउ रही क्वेश्चन सब 50 क्वेश्चन रही 50 क्वेश्चन अच्छी 100 पर्यंत अच्छी क्वेश्चन ठीक अच्छे ये क्वेश्चन को आम नेक्स्ट क्लास प्राक्ट करदे ओके तो ये आम 50 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन सब था क्लास कमी कौन लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे ठीक अच्छे तो आज ये लव यू ऑल जय जगन्नाथ।